अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गिर्दो पेश पर आज की वीडियो के साथ मैं हूँ रज़ुद्दीन रज़ी। आप शाम 5 बजे रोज़ाना हमारी वीडियो देखते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। आज आप देख रहे होंगे कि मैं अब बहुत दिनों के बाद आज मैं आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। दरमियान में एक आध गज़ल आपकी खिदमत में पेश की, गुफ्तगू को जी नहीं चाहा गुज़श्ता कई रोज़ से, और जी इसलिए नहीं चाहा कि इर्द गिर्द के हालात जब हम देखते हैं, हम जब लोगों का पागलपन देख रहे होते हैं, हम जब लोगों की जानिब से और सियासतदानों की जानिब से और हुक्मरानों की जानिब से बेमानी गुफ्तगू सुन रहे होते हैं और उस बेमानी गुफ्तगू में से मानवीयत तलाश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो फिर हमें एहसास होता है कि शायद हमें गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। मजमूई सूरत हाल इस वक्त जो आप देख रहे हैं, APC के बाद गद्दारी के मुकदमे के बाद जलसों की, जुलूसों की धमकियां, मीटिंगों से खिताब, वजीर आजम की का अंदाज तखातब, उनकी जानिब से धमकी आमेज रवैया, और उसके बाद बाकी जो काबीना है उसका हमनवा हो जाना, और एक कवाली की सी कैफियत चल रही है। अपोजिशन की कवाली एक जानिब, अपनी तरफ से कवाली उनकी जो है उसका टीप का मिसरा और है, टीप का बांध और है, और दूसरी जानिब जो हुक्मरान तबके की कवाली है उसका बांध और है। जाहिर है सब अपनी अपनी कवाली में मसरूफ हैं, और इस कवाली के दौरान उन्हें ये कतन परवाह नहीं है कि अवाम की हालत इजार क्या है, लोग किस हाल में हैं, खलके खुदा मर रही है या जी रही है। और खलके खुदा तो मरने के लिए पैदा होती है, जिंदगी के ख्वाब जो हैं वो उन्हें सिर्फ दिखाए जाते हैं, लेकिन जीना किसी और ने होता है, उनके हिस्से की जिंदगी भी कोई और जी रहा होता है। जो जिंदगी उन्होंने जीनी है वो जिस जिंदगी के उन्हें ख्वाब दिखाए जा रहे होते हैं वो कोई और जी रहा होता है। उनके हिस्से में एक जिल्लत होती है और वो अपने हिस्से की बहुत सी जिल्लतें समेटने के लिए इस माशरे में आते हैं। सो वो जिल्लतें सब समेट रहे हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियां कर रहे हैं, तकफीर के नारे लग रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में एक दूसरे को काफिर करार देने की रेस लगी हुई है, फिर इजतमात हो रहे हैं, रद्द अमल में इजतमात हो रहे हैं, और उस रद्द अमल के इजतमा में सड़कों पर मार्च हो रहा है, नई रिवायात कायम की जा रही हैं, और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में पहली मरतबा ये माहौल बन रहा है कि लोग सड़कों पर इस तरह निकले। इस मरतबा जो आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, एक तरफ वो इंतहा पसंदी है जिसमें काफिर करार दिया जा रहा है, वाजिबुल कत्ल करार दिया जा रहा है, और दूसरी जानिब वो इंतहा पसंदी है जिसमें मार्च किए जा रहे हैं, झंडे लहराए जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि हम अमन पसंद हैं। अमन की बात असल में नहीं है, ये दोनों अपनी अपनी इंतहाओं पर मौजूद है। और इस सारे अमल में एक शेख रशीद का बयान आता है और वो कहते हैं कि अगर आप लोगों ने जलसा मुलतवी ना किया, जलसा मुलतवी कर दें। कल ये भी एक कवाली चली थी कि अपोजिशन जो है वो अपना जलसा मुलतवी कर दे, क्योंकि अगर उसने जलसा किया तो कोरोना फैल जाएगा, भारत दहशतगर्दी करवा देगा, दहशतगर्दी भी हो सकती है, कोरोना भी फैल सकता है, कोई और मिसहैप भी हो सकता है। और गिरफ्तारियों की तो धमकी वजीर आजम साहब ने खुद दे दी थी, और जब सुबह कल दोपहर को शेख रशीद साहब ने दहशतगर्दी की धमकी दी तो शाम को वाकई दहशतगर्दी हो भी गई, कराची में आलम-ए-दीन को कत्ल कर दिया गया। ये है वो माहौल जिसमें हम आज से आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। अब आप खुद बताएं कि हम ये गुफ्तगू जिस तरह हमने ढके छुपे अल्फाज में और जिस तरह खौफ के आलम में ये गुफ्तगू की है, क्या ऐसी गुफ्तगू आपको पसंद है, और क्या ऐसी गुफ्तगू का कोई नतीजा निकल सकता है? कतन नहीं निकल सकता। हम सबको अपने अपने तासुबात के साथ जीना है। और आखिरी बात ये कि कल पाकिस्तान में ज़हनी मरीजों की सेहत का दिन मनाया गया।